प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज क्लास टेंथ में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज हम कॉमन डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट -1 -3/2, -2, -5/2 -T2 -T3 क्या है बच्चों? ये T2। इसको चेक करना है, ये जो सीरीज दी गई है ये सीरीज हमारी समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं, ये चेक करना है। सोल्यूशन ठीक है बच्चों? यस ओ यार यू टी आई ओ एन सोल्यूशन। द पहले लिखते हैं द गिवन सीरीज यस ई आर आई ई एस द गिवन सीरीज आर -1 -3/2 -2, -5/2 .. ठीक है। ये बच्चों हम जानते हैं, वी नो दैट इफ सीरीज इन एपी then common difference COMMON common difference always be same Understood this topic? Yes, sir. अब इसको चेक करते हैं, ठीक है? यहाँ पर बच्चों T1 given, क्या क्या given है? पहले लिख लेते हैं। T1 हमारा कितना है? -1 T2 बच्चों कितना है? -3/2 ठीक है? उसके बाद T3 कितना है? -2 T4 कितना है? 5/2 एक एक को चेक करते हैं। इंप्लाइज दैट T2 - T1 की वैल्यू क्या है बच्चों? -3/2 फिर T1 की वैल्यू -1 ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे -3/2 -1 ये हुआ -3/2 = -1/2 एक तो ये चेक हो गया -1/2 क्लियर। अब हम बच्चों चेक करेंगे T3 - T2 की वैल्यू क्या है? -2 ठीक है। फिर -T2 की वैल्यू क्या है बच्चों? -3/2 क्लियर। -2 + 3/2 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? -4 + 3/2 दिखाई पड़ रहा है? yes, ये बच्चों आ जाएगा माइनस का हाफ। अब अगला चेक करते हैं, यहां पर हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट T4 - T3 कितना गिवन है बच्चों? 5/2 कितना है? 5/2 फिर माइनस T3 - 2 यही तो है। yes, अब ये हो जाएगा अगले स्टेप में 5/2 + 2 = 4/2 = 9/2 क्लियर।
यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे क्लियरली CLEARCLEARLY क्लियरली द कॉमन डिफरेंस COMMON कॉमन डिफरेंस DIFFERENCE कॉमन डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव SUCCESSIVE सक्सेसिव टर्म्स ईच नॉट क्लियरली द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सक्सेसिव टर्म इज नॉट कॉन्स्टेंट CONSTANT नॉट कॉन्स्टेंट ठीक है डियर फोर यहां लिखेंगे डियर फोर इट डज नॉट फॉर्म एंड AP क्लियर सर समझ में आया बच्चों यस सर नोट कर लीजिए दे यस सर क्वेश्चन नंबर सेकेंड जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट 2n-3 सेकेंड 3n² + 5 आर द nth टर्म ऑफ एन AP क्लियर बच्चों ये इसको भी चेक कर लीजिए बहुत ही सरल है सोल्यूशन SOLUTIO ठीक है यहाँ पर TN गिवन है TN इक्वल टू है यहाँ पर 2n-3 ठीक है इसमें हम क्या करते हैं n की वैल्यू पुट करते हैं उसके बाद सीरीज बनाते हैं सीरीज बनाने के बाद क्या करेंगे चेक करेंगे कि AP है अथवा AP नहीं है समांतर श्रेणी है अथवा समांतर श्रेणी नहीं है तो इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे यन की कौन कौन सी वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे देखिए T1 पुट किया तो क्या आया 2 × 1-3 = 2 − 3 2 × 2 − 3 ये हुआ बच्चों 4 − 3 = क्या आया 1 ठीक है यही तो आ रहा है यस सर अच्छा T3 चेक करते हैं तो 2 × 3 − 3 3 × 2 = कितना हुआ 6 माइनस थ्री क्या है बच्चों 3 और चेक करते हैं T4 तो 2 × 4 − 3 = 4 × 8 − 3 कितना आया 5 आया ना यस सर इतना चेक कर लिए क्लियर यस सर कोई प्रॉब्लम नो सर अब देखिए लिस्ट हमने फाइंड कर ली किसका फाइंड कर ली लिस्ट ऑफ नंबर LIST लिस्ट ऑफ नंबर NUMBER लिस्ट ऑफ नंबर becomes BECOMES ठीक है कौन से नंबर फाइंड हुए -1 फिर 1 फिर 3 कॉमा 5 क्लियर यस सर
प्रिय बच्चों, लिस्ट ऑफ नंबर्स बिकम्स माइनस वन वन थ्री फाइव निकल करके आया टीएन में जब हमने वैल्यू पुट की। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, पहले चेक करेंगे टी टू माइनस टी वन। टी टू की वैल्यू कितनी है? टी टू की वैल्यू हमने कितना निकाला बच्चों? वन। वन में माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? टू। ठीक है, ये देखिए वन, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कितना आया? टू। क्लियर? यस सर। अब इसी प्रकार चेक करेंगे टी थ्री माइनस टी टू को। टी थ्री हमारा कितना है बच्चों? टी थ्री थ्री है ना। थ्री में से माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आया बच्चों? टू। और चेक कर लेते हैं अगला टर्म है टी फोर माइनस टी थ्री। क्या है? टी फोर माइनस टी थ्री। टी फोर बच्चों कितना गिवन है? फाइव। फाइव में थ्री सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आया? टू। टू आया ना। इससे क्या मिल रहा है? इतना नोट कर लीजिए। आगे बढ़े। क्लियरली आप लिख देंगे क्लियरली सी एल सी एल ई ए आर एल वाई क्लियरली द क्लियरली द डिफरेंस डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी क्लियरली द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म सक्सेसिव यस यू डबल सी ई डबल एस आई वी सक्सेसिव टर्म टी ई आर एम टर्म हैं ईच कांस्टेंट सी ओ एन एस टी एल। क्लियर बच्चों? यस सर। क्लियरली द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज कांस्टेंट देयरफॉर द गिवन टीएन इक्वल टू टू एन माइनस थ्री ईच n terms of AP। ठीक है, ऑफ n AP क्या लिखा जाएगा बच्चों? n AP। क्लियर? उसको नोट कीजिए। दूसरा है, दूसरे को भी चेक करते हैं। देखिए समांतर श्रेणी होने के लिए सर्वांतर का समान होना आवश्यक है। ठीक है, एपी सीरीज होने के लिए कॉमन डिफरेंस आर कंडीशंस में क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरा दिया गया है, इसको भी चेक करते हैं। Given Tn equal to 3n square plus 5। यहां भी लिखते हैं, वहां भी लिखने से एकदम दूर है। Given Tn equal to
3n² + 5, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे, कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6, है ना, यस सर, पुट करके हम सीरीज बनाएंगे। t1 की वैल्यू पुट किया 3 × 1² + 5, बच्चों 3 × 1² 1 ही होता है, प्लस 5 5, और 3 कितना हुआ, 8। t2 3 2² + 5 2² कितना होता है, 4 4 3 12 12 + 5 12 5 कितना हुआ, 17, कितना हुआ, 17। t3 3 × 3² + 5, इसको भी चेक कर लेते हैं, 3² कितना हुआ, 9 9 3 27 27 प्लस 5 कितना हुआ, 32, यही तो होगा, यस सर, है 32 ही तो होगा, यस सर, कोई प्रॉब्लम, यस सर, और चेक करें, यस सर, चलो t4 को भी चेक कर लीजिए, 3 × 4² + 5, 4² कितना होता है, 16 16 3 जा 16 3 जा 16, में 3 का मल्टीप्लाई कर आए 3 × 18 8 8 × 4 4 48 कितना हुआ, 48 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 53 53। यही हुआ बच्चों, यस सर, क्या क्लियर हुआ, अभी कुछ नहीं क्लियर हुआ, अब चेक करते हैं, चेक क्या करेंगे, आप CHECK पे चेक करेंगे, ठीक है। पहले हम लिखते हैं t2 − t1, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, t2 बच्चा कितना आया, 17 − 8, 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो कितना आया बच्चा, 9 9 9, चलो फिर यहाँ पे लिखेंगे t3 − t2, t3 कितना गिवन है, 32 32 32 में 17 सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करके देखो जल्दी से, 15 आ गया, ठीक, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, t4 में से t3 पुट कीजिए, t4 की वैल्यू कितनी है, 53 है, t3 की वैल्यू कितनी है, 32 32, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 21 21, यानी कॉमन डिफरेंस तो सेम आ ही नहीं रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या बच्चों, सर ये जो आता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, COMM, चल बच्चा समझ में आ रहा होगा ना, yes, sir. इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, yes, sir. अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस द कॉमन डिफरेंस, COMM कॉमन डिफरेंस, DIFFERENCE, सिंस द कॉमन डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव SUCCESSIVE सक्सेसिव टर्म्स TERMS सक्सेसिव टर्म्स इज नॉट कॉन्स्टेंट CONST नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है, therefore the given n term TERM the given n term, ठीक है, yes sir, not the given nth term of the given nth term not for
एंड एपी। क्लियर बच्चों? नोट कर लीजिए। सेंस द कॉमन डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट, डियर फॉर द गिवन यंग टर्म नॉट फॉर एंड एपी। बिठा दे बच्चों। हो गया? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Write the next term for the AP. Root 8, root 18, root 32. ठीक है बच्चों? ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसका सलूशन ये होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, द गिवन एपी लिखेंगे, द गिवन एपी इज रूट एट, फिर कामा रूट एटीन, फिर कामा रूट 32 गिवन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। हाँ, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई। हाँ, सिंप्लीफाइंग द टर्म वी गेट। इस टाइप के क्वेश्चन हम बता चुके हैं, पुनः रिपीट कर रहे हैं। यानी रूट एट को हम क्या सिंपल लिख सकते हैं, ध्यान से पहले समझिए। रूट एट को आप क्या लिख सकते हो, बाय रूट एट की मीनिंग क्या हुई, 2 × 2 × 2 यही हुआ। रूट 18 की मीनिंग क्या हुई, 2 × 3 × 3 यही हुआ। और रूट 32 की मीनिंग क्या हुई बताओ, रूट 32 की मीनिंग 2 × 4 × 4 ये हुआ। कोई प्रॉब्लम? दैट इज आई, दैट इज इसे लिख सकते हैं 2√2, इसको लिख सकते हैं क्या बेटा 3√2, इस टर्म को क्या लिख सकते हैं 4√2। क्लियर? हियर, हियर, हियर फर्स्ट टर्म, एफ आई आर एस टी फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना है 2√2। ठीक है बच्चों? कॉमन डिफरेंस COMMON, कॉमन डिफरेंस DIEFER DNC, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू T2 − T1। ठीक है, T2 हमारा क्या है, सेकेंड टर्म, यानी 3√2। 3√2 में रूट टू सबट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, रूट टू आया। कोई प्रॉब्लम? यहां पे सॉल्व कर देते हैं। द नेक्स्ट टर्म डियर फोर कितना नोट कीजिए, नोट कर लिया? डियर फोर नेक्स्ट टर्म एन ई एक्स टी नेक्स्ट टर्म टी ई आर ए नेक्स्ट टर्म बच्चों टी फोर होगा। टी फोर की मीनिंग क्या होती है, ए प्लस 3D, ये सब पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे, ए प्लस 3D। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, 2√2 2√2 ये 3D की वैल्यू क्या पुट करेंगे, √2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, रूट टू कॉमन ले लेंगे, क्या है 2 + 3, 2 + 3 का मतलब क्या हुआ 5√2, 5√2 हुआ। कोई प्रॉब्लम? ये हुआ बच्चों 5√2। अब 5√2 यानी 5 को अंदर ले जाएंगे, ये हो जाएगा
5 × 5 × 2 5 × 5 कितना होगा 25 इंटू टू मिलकर के कितना हो गया बच्चों 50 √50 क्लियर यही आंसर हो गया। नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड कर दिया यही पूछ रहा था पूरा हमने याद कराया था याद है T1 = A T2 = A+D T3 = A+2D T4 = A+3D T5 = A+4D T6 = A+5D याद किया है लगा लीजिए लगा लिए बिठा दें क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 ... इज 0 ठीक है बच्चों सलूशन इसका होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सलूशन SOLUTIO सलूशन इन द गिवन एपी इन द पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं इन द गिवन एपी ठीक है फर्स्ट टर्म FIRST फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों A = 21 ठीक है कॉमन डिफरेंस COMMON कॉमन डिफरेंस DIFFERENCE कॉमन डिफरेंस D = हम कैसे निकालेंगे यानी T2 - T1 से T2 हमारा कितना गिवन है 18 18 - 21 तो कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना आया D = -3 ठीक है अब इसमें हम ले पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 ... इज 0 लिखेंगे लेट्स इट्स यंग टर्म बी 0 क्लियर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इतना नोट कीजिए फिर लिखेंगे देन THEN या THEN देन TN = कह रहा है 0 कौन सा टर्म जो है 0 होगा इसमें फार्मूला लिखेंगे A+N - 1 × D = 0 क्लियर अब A की वैल्यू बच्चों कितनी है 21 ले दिया इंप्लाइज दैट 21 + N - 1 कॉमन डिफरेंस हमने कितना निकाला है -3 = 0 इंप्लाइज दैट 21 - 3 = 0 ये हो जाएगा 21 3 ऐड होकर के 24 - 3 = 0 इंप्लाइज दैट -3 = -24 माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट इंप्लाइज दैट N = 24/3 N = कितना आया 8 3 × 3 = 8 = 24 क्लियर अब इसमें क्या लिखेंगे Hence the at term of
given AP is 0. ठीक है, लगा लीजिए. राजे लगा लिए. यस सर. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड ए बी कामा सी, ए कामा बी कामा सी सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी. ए कामा 7 कामा बी कामा 23 एंड सी. तो ए बी सी का मान जो है हमें ज्ञात करना है. ये दिए गए नंबर्स समांतर श्रेणी में है. ए 7 बी 23 और सी. ठीक है. सोल्यूशन, इट इज गिवन दैट लिखेंगे, इट इज गिवन दैट द नंबर्स गिवन दैट द नंबर्स ए कामा 7 कामा बी कामा 23 एंड सी आर इन एपी. क्लियर. सो इट्स कॉमन डिफरेंस ठीक है. सो इट्स कॉमन डिफरेंस है द सेम. ठीक है. हियर पहले जो जो दिया है लिख लेते हैं. हियर T1 कितना दिया है बच्चों, ए. T2 हमारा कितना गिवन है, बोलते रहिए, 7. T3 बी. ठीक है. और TC है. T4 कितना गिवन है बच्चों, 23. T5 सी. क्लियर. यस सर. जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस यूज करेंगे. Therefore यहां पर लिखेंगे T2 माइनस T1, फिर अगला टर्म लिखेंगे T3 माइनस T2 लिख दिया. फिर यहां क्या लिखेंगे बच्चों, दिखाई पड़ा है ना, यहां पे लिखेंगे T4 माइनस T3 और टर्म है ना इसमें T5 माइनस T4 है. कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, सेम आ रहा है. यही तो है, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चंस कह रहा. क्लियर. यस सर. यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे आ जाएगा 7 माइनस 8. ठीक है. यहां पर आएगा, चेक कर लीजिएगा, B-7. यहां पर आएगा थर्ड टर्म T4 माइनस T3, 23 माइनस बी. और बच्चों हाँ C-23. ठीक है. इसको हम बना लेते हैं फर्स्ट पार्ट, और इसको बना लेते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट, इसको बना लेते हैं थर्ड पार्ट, इसको बना लेते हैं
फोर्थ पार्ट। क्लियर? या फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म हमने बना लिया। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे कि वैल्यू आसानी से निकल आए। कौन सा पार्ट इसमें लेकर के हम सॉल्व करें कि वैल्यू जो है आसानी से निकल आए। अगर हम सेकेंड और थर्ड पार्ट ले लेते हैं तो बी की वैल्यू निकल आएगी। क्यों बच्चों? ठीक है, टेकिंग, यहां लिखेंगे टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड टर्म, टी ई आर एम, सेकेंड एंड थर्ड टर्म वी गेट, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड टर्म वी गेट। ये हुआ बी माइनस सेवन इक्वल टू 23 माइनस बी। अब बी का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, 23 सेवन का ट्रांसपोज करेंगे बच्चों राइट हैंड साइड, ये सेवन होगा। बी का ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बी बी मिलकर के 2b इक्वल टू 23 और सेवन कितना हुआ 30 इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू क्या आएगा 30/2 फिर इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू 50। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब क्या करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट लेंगे, टेकिंग सेकेंड नहीं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म लेंगे टी ई आर एम, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म वी गेट। ठीक है, फर्स्ट टर्म बोलो बच्चों कितना है 7 माइनस ए, सेकेंड टर्म क्या है बी माइनस सेवन, बी की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है 7 माइनस ए, यहाँ पर लिख दिया 15 माइनस सेवन, यहाँ पर लिख देंगे सेंस बी इक्वल टू 15। ठीक है, बी की वैल्यू हमने 15 पुट किया। ठीक है, ये माइनस, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 7 माइनस ए, 15 में से 7 लेस कीजिए 8 हुआ, फिर अगले स्टेप में माइनस ए इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 7 इंप्लाइज दैट माइनस ए इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू क्या आएगा बच्चों माइनस का 1। ठीक है, इसको नोट कीजिए, ए और बी की वैल्यू निकल आई। अब सी की वैल्यू निकालनी है तो सी की वैल्यू के लिए कोई भी पार्ट ले लो, फर्स्ट ले लो और फोर्थ ले लो, है ना, निकल आएगा। इतना नोट कीजिए, मिटा दे बच्चों, इधर का मिटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म let first and fourth terms we get first term क्या है बच्चों 7 माइनस ए और फोर्थ टर्म है हमारा सी माइनस 23। अब इसमें ए की वैल्यू पुट कर देंगे 7, फिर माइनस ये माइनस 1 आया है, यहां पर लिख देंगे सी माइनस 23, यहां पर लिख देंगे सिंस हमने ए की वैल्यू क्या फाइंड किया था माइनस 1, ये 7 प्लस 1 इक्वल टू सी माइनस 23, ये हुआ 8 इक्वल टू सी माइनस 23, इंप्लाइज दैट सी इक्वल टू 8 प्लस 23, 8 प्लस 23 कितना हुआ 23 में 8 ऐड कीजिए 31 कितना आएगा 31।
नोट कर लीजिए। हैंड्स एक वर्ड, ए की वैल्यू कितनी आई है -1, बी की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 15 है, सी की वैल्यू 30, यही तो फाइंड करना था। यस सर, ये आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स आज यहीं पर फिनिश करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कराएं और लाइक कराएं तथा सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।